दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल गौतम ऑनलाइन स्टडी में। तो 60 डे की हमारी जो सीरीज चल रही है यानी कि टेस्ट सीरीज चल रही है, ये हमारा थर्ड टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट एंड सेकंड अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो चैनल पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा है, आपके जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसी लेवल पे हमारा ये टेस्ट सीरीज प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन से। इसके पहले के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट सीरीज पे मिल जाएंगे। 61 क्वेश्चन है जो कि एक्ट से रिलेटेड है और एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है, कौन सा अधिनियम है? यह अधिनियम है आपका अधिनियम 1989 एक्ट 1989 के तहत, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 62 क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई, राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई इस अधिनियम को? तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई आपके 11 सितंबर 1989 को, ठीक है, 11 सितंबर 1989 को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है आपकी एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 64 क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है, उड़ने वाला स्तनपाई है आपका चमगादड़, ठीक है, कौन सा है? चमगादड़ है उड़ने वाला स्तनपाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत के बारे में किसने लिखा था? देखिए क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत के बारे में किसने लिखा था? तो भारत के बारे में जो लिखा था आपके अल बरूनी ने, ठीक है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था भारत के बारे में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय। 66 क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी आपके? तो 66 क्वेश्चन देखिए, सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी आपके वह थी प्राकृत, प्राकृत थी सातवाहनों की राजकीय भाषा। 67, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ आपके 1960 में, 1960 अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, 1960 में हुआ आपके पहला कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, हेलियोडोरस के गरुण स्तंभ का संबंध है, हेलियोडोरस के गरुण स्तंभ का संबंध किससे है आपके? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हेलियोडोरस के गरुण स्तंभ का संबंध किससे है? यह संबंधित है आपका भागवत धर्म से संबंधित है। 69 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 70 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, कहाँ स्थित है आपके मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़? क्वेश्चन ये आया हुआ था आपके एग्जाम में प्रीवियस, ठीक है। 70 क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके, तो आपने किया अगर महादेव पहाड़ियों में, तो बहुत ही अच्छा, आपने बिल्कुल राइट आंसर किया, महादेव पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। 71 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु आपके मानसूनी प्रकार की है, ठीक है, मानसून प्रकार की है मध्य प्रदेश की जलवायु। 72, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है, कार्ल मार्क्स को जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय। 73 क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, भाषा के आधार पर गठित राज्य जो है आपका वह है आपका आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर गठित राज्य। अगला क्वेश्चन 74, भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ, भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ, किस काल से प्रारंभ हुआ आपके? गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है भारत में मंदिरों का निर्माण, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका पारित हुआ 1986 में पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76। खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी थे खिलजी वंश के संस्थापक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन, किस प्रांत को सोया प्रदेश कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, किस प्रांत को सोया प्रदेश कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है आपका सोया प्रदेश। ठीक है, किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है आपका सोया प्रदेश। 78 क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। ठीक है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड्स को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटने आकार के आधार पर सही क्रम है? घटते आकार में नदी बेसिन के घटते आकार में सही क्रम क्या है जो एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे कि आपके तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। ठीक है, ये जो नदियां हैं घटते हुए क्रम में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 80 देखिए, एक्ट वाले क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है यह शक्ति? तो यह है आपके राज्य सरकार को। किसको है? राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को है आपकी है शक्ति। ठीक है, 81 क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है आपके? निदेशक भी होते हैं, प्रबंधक भी होते हैं, सचिव भी होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो आपका अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं इनके द्वारा इसका जो आपका विचारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, 83 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में आपके चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? चुनाव आयोग के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, फिर देखिए 85 क्वेश्चन, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान है आपका दूसरा। ठीक है, भारत का विश्व में स्थान है आपका दूसरा। 86 क्वेश्चन देखिए, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? जो रंगराजन समिति थी ये किस लिए किया गया था? इसका गठन बैंकिंग सुधार के लिए या कर सुधार के लिए, विदेश व्यापार के लिए, विनिवेश के लिए? यह किया गया था आपका विनिवेश के लिए। ठीक है, विनिवेश के लिए किया गया था इसका गठन। 87 क्वेश्चन देखिए, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं? विभाजन के बाद की बात की गई है, जब आपका विभाजन हो चुका था उसके बाद अगर हम देखें मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं, तो यह मिलती हैं आपके 5 राज्यों के साथ। ठीक है, 5 राज्यों के साथ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोक कल्याण आपके भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, क्योंकि समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, सभी है। ठीक है, 89 क्वेश्चन, मालनपुर प्रौद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? यह स्थित है आपके भिंड। ठीक है, भिंड जिले में स्थित है मालनपुर प्रौद्योगिक केंद्र। 90 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जो पसली होती है मनुष्य के शरीर में ये कितने जोड़े होते हैं इसके?
इसके जोड़े होते हैं आपके 12, ठीक है। 12 चौड़ी होती हैं मनुष्य के शरीर में पसलियाँ, ठीक है, 12 चौड़े। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 90 का। 91 क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? मक्का आपने सुना होगा, मक्का मदीना, मक्का कहाँ है आपका, जो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है इस्लाम धर्म के, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है मक्का, तो ये कहाँ है? मक्का जो है आपका, यह स्थित है आपका सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में है आपका मक्का। अब देखिए नेक्स्ट 92 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? सबसे अधिक क्षेत्र में जो फसल बोई जाती है आपके मध्य प्रदेश में, वह बोई जाती है आपका चावल, ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ हुई? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ हुई? कड़ा मणिकपुर, कड़ा मणिकपुर में हुई थी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। 94 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हजार दीवारी कहलाता है? हजार दीवारी के नाम से कौन प्रसिद्ध है आपके? हजार दीवारी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मालिक काफूर, मालिक काफूर आपके कहलाते हैं हजार दीवारी। 95 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है भारत का आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 96 क्वेश्चन, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है आपके? हीलियम, हीलियम कहलाती है आपके नोबेल गैस। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हीलियम कहलाती है आपके नोबेल गैस, ठीक है, हीलियम कहलाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका 97, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपके फेफड़ों द्वारा, ठीक है, फेफड़ों द्वारा सबसे बड़ी ग्रंथि आपके स्तनधारियों में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है आपके? इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? देखिए वैश्विक भी है आपके लैंग्वेज है, जावा भी है, C++ भी है, पेंट ब्रश, ये तो कोई भाषा नहीं हुई, पेंट ब्रश कोई भी भाषा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। 99 क्वेश्चन, बिखरे मोती के रचयिता है, बिखरे मोती के रचयिता कौन है आपके? 99 क्वेश्चन, बिखरे मोती, बिखरे मोती के रचयिता है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, FLT फर्स्ट, फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन को भी कर लीजिए जल्दी से। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपका ये पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय? बिल्कुल स्थित है जबलपुर में, स्थित है आपका जबलपुर, अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारे 3 टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चंस का FLT फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही अगर आपको आगे भी टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करना है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको क्वेश्चंस कम लग रहे हैं एक पार्ट में तो जरूर बताइएगा, अगर बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है तो जरूर बताइएगा। लास्ट तक ऐसा आशा करते हैं कि आप सभी ज्वाइन करते होंगे, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।